गुरु 2021 में यूपीएससी ने ये भूल जाना राइट। तो 2021 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी चीजें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड है ना की जाती है इंडिया की डेफिनेशन में, समझ गए बात को। और इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि इसका आंसर क्या है, नहीं, हमें आंसर यहाँ डिस्कस नहीं करना है, हमें ये डिस्कस करना है कि यहाँ पे लिखी हुई हर एक जो बात है ना वो आपके अगले पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस एक क्वेश्चन से आपके दो तीन कॉन्सेप्ट साथ में रिवाइज हो रहे हैं राइट, और हमने वही कॉन्सेप्ट यहाँ से रिवाइज करने हैं। पहले देख लो कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कैसे कर सकते थे, रीजन से, बिल्कुल सिंपल रीजन से। गुरु कहीं भी आपने डिपॉजिट पढ़ा होगा, यही क्वेश्चन उसने 2017 में पूछ लिया था, बोला था कि कमर्शियल बैंक के इंडिया में एसेट क्या क्या होंगे। उन उन चीजों में दो तीन चीजें लिखी हुई थी कि भैया लोन ग्रांट क्या क्या वो एसेट है राइट, कोई और चीज उनके जो कैपिटल वगैरह है वो क्या उनके एसेट है, चौथी ऑप्शन वहां पे है डिपॉजिट दिया हुआ था उन्होंने। डिपॉजिट्स आर नेवर एसेट्स, दे आर लाइबिलिटीज, बट एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली योर एसेट व्हेन व्हेन ए कंपनी अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट है ना। फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी इट इज अट्रैक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वाई इंडिविजुअल, इट मीन्स दिस इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट ऑफ कंपनी एक्स, अब ये इसकी इक्विटी में शामिल हो गई है, समझ गए। तो डिपॉजिट्स कैन नेवर बी, डिपॉजिट्स कैन नेवर बी एसेट्स, ये बात तो हमें मालूम है। बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक फंडे से इन दोनों चीजों को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो ऊपर, अब डेफिनेटली नॉर्मली यूपीएससी के आंसर में वन ओनली, टू ओनली, थ्री ओनली वगैरह ये बहुत कम होते हैं, और इकोनॉमी में जो है डेफिनेटली ये सारी जो चीजें हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड वगैरह एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस राइट, तो ये दो ज्यादा जेनरिक स्टेटमेंट यहाँ पे लग रही है ना। अगर जीडीआर हो सकता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, तो डेफिनेटली ये जो बिल्कुल एकदम सर्टेन कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है ये जेनरिक लग रही है कि हो सकता है एफआईआईएस को भी कुछ एक कंडीशन लगा करके उनकी इन्वेस्टमेंट को एफडीआई में कंसिडर किया जाए। तो डेफिनेटली आपका जो है 1, 2 एंड 3 इसका आंसर है, लेकिन आंसर के करीब कैसे पहुंचना है ये आपका बेसिक लॉजिक यहाँ से आपने सीखना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इंडिया में जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमने यहाँ से सीखनी है, ये जो डिपॉजिट्स वगैरह एक्सटर्नल डिपॉजिट ये कितने तरीके के हो सकते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ से देखनी है। एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट के बीच डिफरेंस, और स्पेशली इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेज है। याद रखना इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है इट इज मच बेटर, मच बेटर, इन अ मच बेटर पोजिशन देन इवन इवन एडवांस्ड इकोनॉमीज, एडवांस्ड इकोनॉमी से भी बढ़िया इंडिया की डेट पोजिशनिंग है। वो कैसे, क्योंकि इंडिया का जो सोवरेन लॉन्ग टर्म डेट है ना, एंड अगेन एक बात याद रखना, जो भी हमारी डेट है इंडिया में सरकारी डेट, उसमें लॉन्ग टर्म डेट इज कंसिडर्ड बेटर, शॉर्ट टर्म डेट इज कंसिडर, इट इज नॉट कंसिडर्ड बेटर, क्योंकि बहुत जल्दी ही सरकार को ये वापस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सरकार कहीं पे इन्वेस्ट कर सकती है, इसलिए ये बेटर माना जाता है। और इंडिया का जो लॉन्ग टर्म डेट है इट इज इन मेजोरिटी, शॉर्ट टर्म डेट उतना ज्यादा नहीं है इंडिया के पास, तो ये बेटर है इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है, समझ गए बात को। तो नंबर वन याद रखना कि इंडिया में जो लॉन्ग टर्म डेट है इट इज ग्रेटर देन शॉर्ट टर्म डेट, नंबर वन। नंबर दो, सरकार की जो सोवरेन डेट बोरोइंग्स हैं वो डोमेस्टिक बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू योर एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग राइट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स के मुकाबले सरकार की इंटरनल बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है, ये बातें याद रखनी है। और जितनी भी इंडिया की एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं उनमें से मेजोरिटी जो बोरोइंग्स हैं वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं, कमर्शियल बोरोइंग, समझ गए, ये बात याद रखनी है। सरकारी बोरोइंग्स एक्सटर्नल में भी बहुत कम है राइट। सो ये देखो यहाँ पे ये बात कर रहा है, यहाँ पे बिलियन डॉलर में सरकारी एक्सटर्नल बोरोइंग्स सिर्फ इतनी कर है राइट, सिर्फ इतनी कर है, एंड कमर्शियल बोरोइंग्स वो इतनी ज्यादा है, समझ गए बात को। तो सरकारी बोरोइंग्स बहुत कम है, टोटल इतनी है राइट। एंड देन आपका आता है एनआरआई डिपॉजिट्स, ये चारों जो चीजें हैं ना ये इंडिया के जीडीपी में बोरोइंग्स की कैटेगरी में आता है, बोरोइंग्स की कैटेगरी में आता है राइट। एनआरआई डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल बोरोइंग, सोवरेन डेट वगैरह एंड शॉर्ट टर्म डेट वगैरह, ये सारी चीजें जो है इंडिया के राइट, इंडिया के ये इकोनॉमी में डेट की कैटेगरी में आती है, डेट की कैटेगरी में। अगर वो बोले कि इकोनॉमी में इनमें से क्या क्या चीजें डेट की राइट, डेट टू जीडीपी रेशो में इन चारों इनमें से क्या क्या चीजें आपके काउंट होती है, तो डेफिनेटली सोवरेन डेट, कमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट्स, ये डेट की कैटेगरी में आता है, दे आर नेवर नेवर इन्वेस्टमेंट्स, ये बात आपने यहाँ से याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आ रही है। एंड शॉर्ट टर्म डेट राइट, ये यहाँ पे आपको चीजें बात याद रखनी है। और इसमें जो आपका एनआरआई डिपॉजिट है उसका अमाउंट इतना है, ईसीबी सबसे ज्यादा शेयर रखता है एनआरआई डिपॉजिट, उसके बाद शॉर्ट टर्म डेट जिसमें नॉर्मली आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ज्यादा है, और उसके बाद आपका नंबर आता है राइट,
ये गवर्नमेंट बोरोइंग का, सोवरेन बोरोइंग्स बहुत कम है। याद रखनी है यहाँ पे दो चीजें, एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट। डेफिनेटली ये दोनों चीजें एनआरआई से डील कर रही है, ये बात याद रखना, नॉन रेजिडेंट इंडियन वगैरह से डील कर रही है, राइट, जो है ना इंडिया में नहीं रह रहे हैं। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल से याद रखना कि इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, बाहर से, जो एनआरआई ने बाहर कमाया और फिर वो इंडिया में भेजा और इंडियन रूपी में इंडिया में जमा किया, दैट इज योर एनआरई अकाउंट। अब हर अकाउंट में आपको ब्याज भी मिलता है, इनको भी मिलता होगा, तो इसमें जो ब्याज होता है एनआरई एक्सटर्नल अकाउंट में जो ब्याज है वो टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री, यहाँ पे टैक्सेबल है, क्योंकि एनआरओ अकाउंट में वो पैसा आ रहा है जो कि किसी ने इंडिया में अर्न की हो। एनआरआई ने अगर इंडिया के अंदर कोई पैसा अर्न किया है वो एनआरओ अकाउंट में आएगा ऑर्डिनरी में, एक्सटर्नल में बाहर से आने वाला पैसा आएगा, याद रखनी है ये बात। एंड टैक्सेबिलिटी, आपको मालूम है कि बाहर अगर कोई इनकम हो रही है उसे इंडिया कैसे टैक्स कर सकता है, इंडिया के सोवरेन क्षेत्र से वो बहुत बाहर की चीज़ है, समझ गए बात को। सो ये बातें आपने याद रखनी है। एंड रिपेट्रिएबिलिटी, मतलब इंडिया से वापस ये निकाला जा सकता है, कितनी ईज के साथ निकाला जा सकता है, ये बात आपने याद रखनी है कि एनआरई अकाउंट इज टोटल लाइबिलिटी ऑफ इंडिया, टोटल लाइबिलिटी, ये बाहर का पैसा है, किसी दूसरे देश का पैसा है, एनआरआई ने वहां कमाया हुआ है, वहां से भेजा हुआ है इंडिया में, ये डिपॉजिट के तौर पर रखा हुआ है। सो इसमें देयर इज टोटल रिपेट्रिएबिलिटी, कंप्लीट रिपेट्रिएबिलिटी, यहाँ से रिपेट्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे देर इज रिस्ट्रिक्टेड रिपेट्रिएबिलिटी, क्योंकि इसमें इंडिया का ही पैसा इन्वॉल्व है, राइट। सो डेफिनेटली जैसे आप देखेंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में इंडिया में, आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पे आपको राइट कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी इन दोनों में से कहाँ देखने को मिलेगी, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में, तो कन्वर्टिबिलिटी इज ऑल्सो इन न्यूज, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ज्वाइंट अकाउंट होल्डिंग वगैरह का इसमें प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है, दोनों में प्रावधान है। और एक्सचेंज रेट रिस्क डेफिनेटली एनआरई अकाउंट में ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल पैसा, राइट, एक्सचेंज रेट रिस्क मीन्स कि कौन सी चीज ज्यादा एक्सपोज है टू एक्सटर्नल इकोनॉमी, तो डेफिनेटली एनआरई अकाउंट का पैसा जो है इट इज ज्यादा एक्सपोज टू एक्सटर्नल इकोनॉमी। आई होप ये डिस्कशन जो है ये आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यहाँ पे क्लियर कर चुकी होगी। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते रहेंगे, एंड डू सपोर्ट, राइट, एंड थैंक यू।